हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं रक्षाबंधन स्पेशल कोकोनट चॉकलेट बर्फ़ी, जिसे हम सिर्फ 15 मिनट में बनाएंगे। तो हम आज की रेसिपी शुरू करें। कोकोनट चॉकलेट बर्फ़ी बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी कोकोनट पाउडर, उसे हम एक पैन में डालेंगे और 2 मिनट के लिए भूनेंगे। हम एक कटोरी में 1 चम्मच कोको पाउडर लेंगे, उसमें धीरे धीरे करके 3 से 4 चम्मच दूध डालकर एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमारा चॉकलेट पेस्ट रेडी हो गया है, अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अगर कोई मीठा ज़्यादा खाता है तो हम इस पेस्ट में 1/2 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट भुनने के बाद कोकोनट पाउडर में हम 1/4 कटोरी चीनी ऐड करेंगे और 1 कटोरी फुल फैट दूध ऐड करेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है। कुछ मिनट बाद हमारा टेक्सचर इस तरह का हो जाएगा। इसका हम हाफ पार्ट निकाल लेंगे। और बचे हुए टेक्सचर में हम 2 चम्मच कोको पाउडर का पेस्ट डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने घी से ग्रीस करी हुई एक प्लेट ली है। अब हम इसमें वाइट कोकोनट टेक्सचर डालेंगे और इसे फैलाएंगे। इसके बाद हम चॉकलेट टेक्सचर इसके ऊपर डालकर इसे फैलाएंगे। अब हम इसे फैलाकर इसे प्लेन करेंगे। अब हम कोकोनट बर्फी को ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। हमारी कोकोनट चॉकलेट बर्फी बनकर तैयार है। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमारी कोकोनट चॉकलेट बर्फी का टेक्सचर आप देख सकते हैं। हमारी कोकोनट चॉकलेट बर्फी बनकर तैयार है। दोस्तों, अगर आज आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।